चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस फाइंड आउट करना। ठीक है, सवाल जहन में ये आता है कि लीजिंग चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है या बाइंग चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। हम इस डिसीजन को इवैल्यूएट करते हैं, तो इस डिसीजन को हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से इवैल्यूएट करेंगे। तो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीजिंग, कि अगर हम एक मशीन आउटराइट लीज पे लेते हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बोरिंग, और अगर हम लोन लेकर वो एसेट फाइनेंस करते हैं तो वो क्या होगी, और इन दोनों में से क्या ढूंढेंगे, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। याद रहे ये डिसीजन कौन सा है, ये कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं। कौन सा डिसीजन है? इट्स अ फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में जब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीजिंग निकालेंगे तो ओनली दोज कैश फ्लोज विच आर कनेक्टेड विद लीजिंग ऑप्शन, और जब हम बोरोइंग पे बात करेंगे तो वी विल कंसिडर ओनली दोज कैश फ्लोज विच आर कनेक्टेड विद आर बोरोइंग डिसीजन, रेलेवेंट। बारहवीं ठीक है जी, तो लास्ट क्लास में मैंने लीजिंग स्टार्ट किया था कि जब हम लीजिंग के ऊपर जाते हैं तो जो हमारे कैश फ्लोज होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, रेंटल्स जो हम पे करने होते हैं, और दूसरा टैक्स ऑन रेंटल्स या टैक्स इश्यूज ऑन कैश फ्लोज। नॉर्मली हमारे दो कैश फ्लोज होते हैं, रेंटल्स बाज दफा हमें एरियर्स में दिए हुए होते हैं, या बाज दफा रेंटल्स हमें एडवांस में दिए हुए होते हैं। हमें पिक करना है सही तरीके से कि उसका कैश फ्लो हमें किस ईयर के अंदर शो करना है। टैक्स जो दिया जाता है वो डिफरेंट तरीकों से दिया जाता है। बाज दफा वो कहता है इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, बाज दफा वो कहता है रेंटल इज टैक्स डिडक्टेबल, बाज दफा कुछ और कहता है। अगर वो कहता है कि जी इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम ये आता है, हाउ टू स्प्लिट इंटरेस्ट फ्रॉम रेंटल, क्योंकि रेंटल के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो हम पर एनम इंटरेस्ट दे रहे होते हैं और दूसरा कैपिटल रीपेमेंट। तो उस कैपिटल रीपेमेंट को आइसोलेट करने के लिए, अलग करने के लिए मैंने लास्ट क्लास में आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके बताए थे। व्हाट वाज दैट, क्या थे? जी, एक्चुअली सम ऑफ ये एक्चुरियल मेथड और सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ठीक है जी, इसके जरिए आप इंटरेस्ट को अलग करेंगे ताकि उसका टैक्स बेनिफिट हम कैलकुलेट कर सकें। अच्छा, जब हम बाइंग डिसीजन पे जाएंगे ना, तो ये बात जहन में रखी जाए, टैक्स वाले लीजिंग के केस में वो एसेट हमारा कंसीडर नहीं करते, दैट्स व्हाई नो कैपिटल अलाउंसेस, क्योंकि लीगली वो एसेट किसका है, वो सो लेसोर का है, वो बैंक का है। ठीक है, लेकिन जब हम बाइंग डिसीजन करेंगे, जब हम बोरिंग डिसीजन लेंगे, तो बोरिंग करके जो एसेट लिया जाएगा वो हमारा होगा, हम उसके लीगल ऑनर होंगे। सो इन दैट केस टैक्स अथॉरिटी हमें एसेट खरीदने के ऊपर कैपिटल अलाउंस प्रोवाइड करती है, विच इज टैक्स डेप्रिसिएशन। ये मैं आज आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट। ठीक है जी, चलिए चलते हैं, जरा कैलकुलेशन पे चलते हैं। लीज वर्सेस बोरिंग का एक लॉन्ग सवाल करते हैं, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिया। लेट्स सी दिस दिस क्वेश्चन। एमसीक्यूज जो आते हैं ना, वो इसी सवाल को तीन पार्ट में, दो पार्ट में तोड़ देंगे तो वो तीन एमसीक्यूज बन जाएंगे, चार एमसीक्यूज बन जाएंगे। प्रैक्टिस आप लॉन्ग क्वेश्चन की करें तब भी आपकी नॉलेज बढ़ती है, शॉर्ट क्वेश्चन ही करें तब भी बढ़ती है। क्या निकालना है? आफ्टर टैक्स बोरिंग रेट दिया हुआ है 7%, क्या करना है, इवैल्यूएट करना है किस चीज को, परचेस की जाए मशीन या लीज पे ली जाए मशीन। परचेस करने का मतलब है बोरो करके परचेस की, सही। अब एक काम करें, सवाल जरा मैं भी रीड कर रहा हूँ, आप भी रीड कर लें, अच्छी तरह से रीड कर लें सुकून से, मुझे जल्दी नहीं। अ कंपनी इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी विच इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ मशीन कॉस्टिंग 3,20,000। इफ परचेज द कंपनी वुड इनकर एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 25,000।
The machine would be used for 3 years, and at the end of this period, it would be sold for 50,000. ये इसकी स्क्रैप वैल्यू होगी. Alternatively, the machine could be obtained under an operating lease for an annual lease rental of 1,20,000 per annum payable in advance. The company can claim tax allowable depreciation on a 25% reducing balance basis. The company pay tax on profit at an annual rate of 30%. All tax liabilities are paid 1 year in arrears, यानी कि एक साल का डिले होता है. Accounting year end company का है 31st December. If the machine is purchased, payment will be made in January of the first year of operation. If leased, annual lease rental will be paid in January of each year of operation. तो आपको दोनों ऑप्शंस दिए हैं ना, आप इसको रीड कर लें आराम से. दो ऑप्शंस दिए हुए कि अगर आप आउटराइट मशीन बोरो करके लेते हैं तो क्या होगा, अगर आप लीज पे लेते हैं. उसमें से कुछ कॉपी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कॉपी डॉक्यूमेंट्स चाहिए. मुमकिन है आज? ठीक है जी, तो आप इन दोनों में से दोनों ऑप्शंस को इवैल्यूएट करेंगे. तो पहले हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज ऑप्शन निकालेंगे, फिर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परचेजिंग ऑप्शन निकालेंगे या बाइंग ऑप्शन निकालेंगे या बोरोइंग ऑप्शन निकालेंगे, फिर दोनों को आपस में इवैल्यूएट कर लेंगे कि हम किस तरीके से काम करें. तो पहले हम चलते हैं लीजिंग ऑप्शंस की तरफ. लीजिंग ये ऑपरेटिंग लीज है, ठीक है, दिस इज एन ऑपरेटिंग लीज. तो एनुअल रेंटल आपको कितना दिया हुआ, ये आपका आउटफ्लो होगा हर साल. कितना एनुअल रेंटल दिया हुआ है? 1,20,000. 1,20,000 पर एनम. 1,00,000. इसकी टाइमिंग क्या है? एडवांस. फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में, फिर सेकंड ईयर के बिगनिंग में, और उसके बाद फिर थर्ड ईयर के बिगनिंग में पे किया जाएगा. तीन आउटफ्लोज हमारे पास हैं, फर्स्ट ईयर का स्टार्ट, सेकंड ईयर का स्टार्ट और थर्ड ईयर का स्टार्ट. जनवरी में पे होगा, ठीक है. अच्छा जी, टैक्स रेट दिया हुआ है आपको 30%. तो टैक्स सेविंग्स निकलेंगी रेंटल्स के. अच्छा, उसने कुछ नहीं बताया वन, तो ये फाइनेंस लीज तो है नहीं. तो ऑपरेटिंग लीज में तो रेंटल को ही अलाउबल एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है. तो टैक्स सेविंग निकलेगी रेंटल्स के ऊपर किस रेट के ऊपर? 30% के ऊपर निकलेगी. मेंटेनेंस कॉस्ट होगी ऑपरेटिंग लीज में? होगी. ऑपरेटिंग लीज में मेंटेनेंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेसोर, नॉट लेसी. तो देयर विल बी नो मेंटेनेंस. सही है, जो क्लाइंट होता है वो मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर्ड नहीं करता. तो लीजिंग के केस में कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं. हाँ, अगर फाइनेंस लीज होती तो मेंटेनेंस कॉस्ट लेनी पड़ती. अब ये रेंटल्स दिए हुए हैं, ये उसकी टैक्स सेविंग का रेट है, और आफ्टर टैक्स बोरिंग रेट कितना है जिसको डिस्काउंट रेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा? आफ्टर टैक्स 7% बोरिंग रेट है 7%. ये अगर आपको ना दिया हुआ हो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसे आफ्टर टैक्स बनाना पड़ेगा अगर बिफोर टैक्स दिया हुआ होगा तो, क्योंकि रेट हम हमेशा नॉर्मली आफ्टर टैक्स बोरिंग रेट ही लेते हैं. अब हम इसकी पीवी फाइंड आउट करते हैं. तो मैं शॉर्टकट से भी करवा सकता हूँ, लेकिन ईज के लिए मैं थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लेके चल रहा हूँ. पूरा सवाल सॉल्व करता हूँ प्रॉपर तरीके से. 0, 1, 2, 3, 4 तीन साल की लाइफ है इसकी. मैंने लेकिन चार भी कंसिडर किए, शायद ज़रूरत पड़ जाएगी. सबसे पहले तो हमने पहला कैश फ्लो लिया. पहला कैश फ्लो क्या है? रेंटल. जीरो से शुरू करें, वन से शुरू करें? जीरो से. जीरो से इनकर्ड हो रहा है फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में. कल मैंने लास्ट क्लास में टेक्निक बताई थी आपको कि आप कैसे पिक करते हैं कि इसको वन से शुरू करना है या लास्ट ईयर से शुरू करना है. तो अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कैश फ्लो होगा तो इसका मतलब क्या होता है? स्टार्ट का मतलब हम क्या लेते हैं?
जीरो लास्ट, नहीं जीरो नहीं, लास्ट ईयर एंड, ये फिक्स कर लें, बिठा लें अपने जहन में, जब भी कोई कैश फ्लो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर होगा तो उसका मतलब क्या होगा, पिछले साल का एंड, तो फर्स्ट ईयर का मतलब क्या होगा, फर्स्ट ईयर का स्टार्ट जीरो, सेकेंड ईयर का स्टार्ट वन, थर्ड ईयर का स्टार्ट टू, हो गए टू थ्री। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, टैक्स सेविंग्स के ऊपर, टैक्स सेविंग्स ऑन रेंटल, टैक्स सेविंग्स मिलेंगी रेंटल्स के ऊपर यस सर 30% के हिसाब से, तो 120 का 30% कितना होगा, 40 36 24 से 20% होता है 36,000, 36। ये बताएं कहां से शुरू करें, जीरो से, वन से, टू से, रेंटल टैक्स सेविंग्स जो है, टैक्स रेट जो है एरियर्स के अंदर, वन से शुरू करें, वन से, वन जी सर, वन से, वन से शुरू करें, ठीक है, और कोई और सब एग्री है, वन पे, वन से शुरू करें। आप पिछली क्लास, पिछली क्लास में रहा फोकस नहीं किया, पिछली क्लास में भी एक मैंने मसला बताया था कि वन से शुरू करना है, टू से शुरू करना है, क्यों एरियर्स है सर, एक साल के बाद पे होगा, तो रेंटल तो हम जीरो पे ले रहे हैं, जीरो का मतलब एरियर वन नहीं होगा, लेकिन उसको टैक्स वाले जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे ना, जी टैक्स वाले वन को वन कंसीडर कर रहे हैं, टैक्स वाले बिगिनिंग और ड्यूरिंग का चक्कर नहीं रखते, वो कहते हैं रेंटल अगर आपने पहले साल में दिया है तो आपको टैक्स बेनिफिट भी पहले साल मिलना है, अगर टैक्स डिले होगा तो वन का मतलब टू होगा, ठीक है, तो टैक्स वालों के नजदीक आपका रेंटल ईयर वन पे जनरेट हो रहा है तो उसकी टैक्स सेविंग आपको ईयर टू में मिलेगी, टू वाले की थ्री पे मिलेगी, थ्री वाले की फोर पे मिलेगी, ये कॉन्सेप्ट जरा दिमाग में रखें क्योंकि आगे हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल देखने जा रहे हैं, अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक शुरू होगा उसके अंदर ये बहुत काम की चीज है, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो। रिपीट कर दीजिए इस कॉन्सेप्ट को। देखें एक चीज बताऊं मैं आपको, देखें जब भी आप टैक्स वालों से कोई बेनिफिट मांगेंगे ना तो वो कहेंगे ईयर एंड पे मिलेगा, ऐसे ही जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार होगा तब बेनिफिट मिलेगा ना आपको, तो जब आपने रेंटल 1 जनवरी को दिया है तो उस 1 जनवरी के लिए आपको कितना इंतजार करना पड़ेगा, 31 दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा पहले साल के एंड पे, ठीक है, तो अगर टैक्स में डिले है तो पहले साल का रेंटल का बेनिफिट आपको कब मिलेगा, सेकेंड ईयर, नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, राइट, और सेकेंड ईयर के रेंटल का बेनिफिट थर्ड ईयर में, और थर्ड ईयर के रेंटल का बेनिफिट फोर ईयर, फोर्थ ईयर, समझ गए, क्लियर है ये बात, यस, अब इसको नेट कर लीजिए, इसको नेट कर लीजिए, नेट कैश फ्लोज निकालें, पहले दो में तो नेगेटिव ही आया था, पहले में तो माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, 84 कितना, 84 माइनस, यस सर, अब इस कैश फ्लो को डिस्काउंट कर लेते हैं, तो डिस्काउंट फैक्टर निकाल लेते हैं, किस परसेंटेज में निकलेगा डिस्काउंट फैक्टर, 7%, 7%, 0 पे डिस्काउंट फैक्टर 1 होता है, 1, और 7% पे बाद में आप फॉर्मूला लगा के या टेबल से जहां से भी देखना चाहें 7% का रेट निकालें, ये फॉर्मूला लगता है डिस्काउंट फैक्टर निकालने का, 1 + r^n, 1 / 1 + 0.07^1, पावर चेंज करते जाए रेट आ जाएगा, बताएं जी वन पे कितना आ रहा है, 0.934 0.9 0.9 3 4 0.8 0.8 7 3 4, या पहले का बता दें, दूसरे का 0.8 7 3 4, ये 2 0.8 7 3, 3 decimal तक लड़का है, 0.8 1 6 3 8 1 6 4 0.7 6 2 9 6 2, कर दें 120 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 120 120 को 0.934 से मल्टीप्लाई करें,
112 आ जाएगा। 112 जी सर, माइनस माइनस 112। अगला 73.33 कर लें। 29.6 कर लें। और ये है 27.46 कर लें। इसको नेट ऑफ करें, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालें। 248 टोटल माइनस की माइनस में आ रहा है ना? जी सर माइनस में ही आना चाहिए क्योंकि फाइनेंसिंग कॉस्ट निकाल दें, प्लस में नहीं। 248 आ रहा है। 248,000 की फाइनेंसिंग कॉस्ट आ रही है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में लीजिंग के ऑप्शन। ये अगर सर अगर पास होता तो फिर क्या होता? जी पॉजिटिव सर आंसर आता तो क्या होता फिर? ये नहीं आना चाहिए था? नहीं मैं समझा नहीं, दोबारा बोलो। सर ये आंसर अगर पॉजिटिव आ जाता तो जैसे आप कह रहे हैं माइनस आना चाहिए था। हां पॉजिटिव कास्ट है तब पॉजिटिव पता क्यों नहीं आएगा? नहीं तो बोल दो फाइनेंसिंग डिसीजन ले रहे हैं ना, कॉस्ट क्या पे करनी है, हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले रहे कि पॉजिटिव आए। ठीक है सर ठीक, हमेशा माइनस में आएगा, माइनस माइनस को कंपेयर करना। तो ओके सर दूसरा डिसीजन क्या लेंगे? बोरिंग या बाइंग डिसीजन? मशीन कितने की खरीदेंगे आज आप? 25,000 की, सॉरी 3,20,000 की। 3,20,000 की, 3,20,000 की आपको आज मशीन खरीदनी है। ठीक है, इसकी मेंटेनेंस 25,000 है। 25,000 पर एनम ना? जी सर एनुअल मेंटेनेंस होगी इसकी 25,000 पर एनम 3 साल तक। इसके ऊपर कैपिटल अलाउंस देगी टैक्स अथॉरिटी? जी सर 25% है। ये कैपिटल अलाउंस होता है टैक्स डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसका रेट आपको दिया हुआ है 25% रिड्यूसिंग ये है डेटा। ये आप एक मशीन खरीदने जा रहे हैं आज, उसकी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 25,000 है, उस पर आपको कैपिटल अलाउंसेस मिलेंगे, स्क्रैप वैल्यू 50,000 की आएगी। आप ये इवैल्यूएट करने जा रहे हैं ये मशीन बोरो करके सस्ती पड़ेगी या फाइनेंस लीज लीज पे सस्ती पड़ेगी, तो हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन मुझे कैपिटल अलाउंसेस की वर्किंग करनी है ना, कैपिटल अलाउंस कैसे निकलेंगे, क्योंकि कैपिटल अलाउंस किस तरह से निकालने, डेप्रिसिएशन कैसे निकालने, रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर देखें किस तरह से निकलते, चेक कर एक टेबल बना लेते हैं इस तरह से, ईयर डेप्रिसिएशन टैक्स रेट और यहां पर निकाल लेते हैं टैक्स सेविंग्स। डेप्रिसिएशन की वजह से आपको टैक्स सेविंग्स होती है। कितने साल का प्रोजेक्ट है? 3 साल का है ना मशीन की लाइफ। पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 25%। चलें जी बताएं डेप्रिसिएशन कितना? सर ये पहले साल का 80,000। 80,000 टैक्स रेट कितना था? 30%। तो 80 को 30, 80 को 30% से मल्टीप्लाई करें। 24 सर 24,000। 24 की टैक्स सेविंग्स आएंगी आपकी पहले साल।
60,000 आ जाते हैं सेकंड ईयर दूसरे साल, दूसरे साल जो डेप्रिसिएशन निकलेगा ना वो बुक वैल्यू पे निकलेगा। तीसरे साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं, 45,000 तीसरे साल डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करेंगे रेट के ऊपर, सेल कर देंगे, स्क्रैप कर देंगे, रेट से नहीं निकालेंगे ना। थर्ड ईयर जो होगा ना, जो उसका लास्ट ईयर होगा, उसका डेप्रिसिएशन देख कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम बैलेंस निकालेंगे, बैलेंसिंग अलाउंस कैलकुलेट करेंगे, बैलेंसिंग अलाउंस निकालेंगे, देखें कैसे निकलते हैं, सीख लें। कॉस्ट कितनी थी? 3,20,000 3,20,000 स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 55,000 माइनस कर दें, 2,70,000 सही है, 2,70,000 टैक्स वाले आपको जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे ना टोटल, वो होगा 2,70,000 का, सही है। अब तक वो आपको कितना डेप्रिसिएशन का क्लेम दे चुके होंगे पहले दूसरे साल में? 2,41,000 आउट ऑफ 2,70,000 तो बाकी निकाले बैलेंसिंग फिगर 31,000 आप आखिरी साल में क्लेम करेंगे। देखिए जो लास्ट ईयर होता है ना, लास्ट ईयर उसमें कैपिटल अलाउंस या तो बैलेंसिंग अलाउंस होता है या बैलेंसिंग चार्ज होता है। चार्ज तो बहुत रेयर केसेस में आता है, लेकिन नॉर्मली वो बैलेंसिंग अलाउंस होता है। तो अगर प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल है, 5 साल है, 6 साल है, तो आप आखिरी साल के अंदर बैलेंसिंग अलाउंस निकालेंगे, जो जो टेक्निक मैंने बताई है कैलकुलेट करने की। तो ये हमारे पास किया सर, ये लास्ट वाला जी सर, लास्ट ईयर किसने किया सर, रिपीट कर दें। देखें सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आपकी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी आ रही है, सही? ठीक है सर। ये क्या कहलाता है, इसको अकाउंटिंग में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। क्या कहते हैं? डेप्रिशिएबल अमाउंट, इसका मतलब है टोटल अलाउंस। फिर आप इसको कंपेयर करेंगे कि अब तक आप कितना अलाउंस ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं 2 सालों में, ठीक है सर। तो ये आपका बचा हुआ अलाउंस है जो कि आखिरी साल में आपको फुल फ्लेज मिल जाएगी, सही है। देखिए नॉर्मली ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बहुत रेयर केसेस में ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो नॉर्मली वो ये कहते हैं कि आप आखिरी साल में क्या क्लेम करेंगे, बैलेंसिंग अलाउंस या चार्ज। तो चार्ज आपको बहुत रेयर केस में मिलेगा, लेकिन एग्जामिनर तो बड़ा स्मार्ट है ना, हो सकता है सवाल में ऐसी चीज दे दे कि चार्ज बन जाए। तो चार्ज बनेगा तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आ रही है ना पॉजिटिव 130, ये माइनस में आ जाएगी। चार्ज का मतलब है तो आपने ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है इनिशियल ईयर के अंदर, सही है। तो किसी एग्जांपल में अगर चार्ज आया तो देख लेंगे, ठीक है। तो टैक्स सेविंग आपकी पहले साल में कितनी है? 24। दूसरे साल में कितनी है? 18। तीसरे साल में कितनी है? 39, ठीक है। अब आते हैं सवाल सॉल्व करते हैं, चलें सवाल सॉल्व करते हैं। 3 साल का हमारा प्रोजेक्ट था, मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 320। स्क्रैप कितनी थी? 50,000। मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी थी? ये हम कैश फ्लोज ले रहे हैं, 25,000 पर एनम ना जी सर। आउटफ्लो इनफ्लो? आउटफ्लो है सर, आउटफ्लो आ गया जी। टैक्स सेविंग्स? ऑन दूसरे साल सर, टैक्स सेविंग ऑन मशीन, टैक्स सेविंग ऑन मशीन कितनी आएगी? 24, 18, 39। कहां से शुरू करूं?
दूसरे साल से। दूसरे साल से टैक्स सेविंग दूसरे साल से शुरू होगी, सही है, डिले की वजह से, ठीक है। अच्छा, एक आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा मेंटेनेंस कॉस्ट पे, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, 25, 25 का 30% निकालो, साथ ही ये पांच, 7.5 को 8 लिख देता हूँ, ठीक है। सर हम इस लीज को फाइनेंस लीज ले रहे हैं, तो दैट्स व्हाई हम मेंटेनेंस कॉस्ट को खुद खुद कॉस्ट ले रहे हैं। नहीं, ये तो हम अभी बाइंग डिसीजन कर रहे हैं, लीजिंग डिसीजन नहीं कर रहे हैं, बाइंग डिसीजन पे, ये बाइंग डिसीजन चल रहा है। बाइंग डिसीजन के अंदर तो मेंटेनेंस कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ेगी ना, आप घर पे एक मशीन खरीद के लाएंगे तो मेंटेनेंस तो आपकी जिम्मेदारी है ना, ठीक है, ठीक है, बाइंग, ठीक ठीक लीजिंग में देखना पड़ेगा आपको कि मेंटेनेंस आपको लेनी है नहीं लेनी, ठीक है। बाइंग में तो आउटराइट लेंगे। नेट कैश फ्लोज निकालें, जीरो पे कितना आ गया पहले साल 25, दूसरे साल कितना होगा, सात, तीसरे साल कितना होगा, वन 151, 47, यस सर, 51 एंड 47। डिस्काउंट फैक्टर कितना है, 7%, जो ऊपर डिस्काउंट रेट लिए थे वही ले ले, सेम 935, जी सर वही ले लेंगे, 0.935, 0.873, 0.8463, 934873। अब इसकी पीवी वर्कआउट करें, 816, 0.816, 0.763, इसको मल्टीप्लाई करें, 25 को मल्टीप्लाई करें इससे, 23.35, 23 कर लें इसको, 6.11, 6 कर लें इसको, 41.61, 42 कर लें, 35.86, 36 कर लें। सर ये एक सवाल है सर कि एग्जाम में हम इसको राउंड ऑफ या राउंड ऑफ कर सकते हैं ना, थाउजेंड्स में वर्किंग कर रहे होते हैं इसलिए राउंड ऑफ कर देते, कर सकते हैं। 259,000 आपको एग्जाम में ना वो डेसिमल बोलेगा ना, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, थाउजेंड्स में करना है, वहां से पिक करना है आपको उसको, कितना, राइट राइट, कितना, 259 सर, 2,59,000। अब इसको कंपेयर करते हैं, लीजिंग की कॉस्ट क्या आ रही थी प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, 248, इसकी कितनी आ रही है, 259, 259, इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये भी हमारा इस वक्त पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, कोई सवाल अफाका हुआ कुछ कैलकुलेशन में आप लोगों को, यस सर, किसी के माइंड में कोई सवाल है तो बोलो। और इसमें हम राइट ऑफ यूज एसेट्स पढ़ेंगे,
राइट ऑफ यूज एसेट, बस हमने इतना पढ़ लिया कि लीजिंग को राइट ऑफ यूज एसेट कहते हैं, इतना ही था हमारे सिलेबस में उसकी डेफिनेशन। अच्छा, क्योंकि हम लोग ने ना अपने हमारी ब्रांचेज थे ना, मैं बैंक में होता हूँ, हमारी ब्रांचेज हमने आईपीआर 16 को अप्लाई किया हुआ है। दो तो अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग इशू है, हम उसको डेप्रिसिएट करते हैं हर महीने। आप लीज लायबिलिटी की आप उसको डेप्रिशिएट इसलिए करते हैं कि वो फाइनेंस लीज है और फाइनेंस लीज में वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म में आपका एसेट कंसीडर किया जाता है। हमने उसे उसको एसेट बनाया हुआ है, उसकी लीज लायबिलिटी खड़ी की हुई। जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। और ये हमेशा से होता है फाइनेंस लीज को तो लेसी जो है ना वो एसेट ही कंसीडर करता है। अब ये जो ऑपरेटिंग लीज आ गई है ना नए सिनेरियो में आईएफआरएस 16 में, इसको भी ट्रीट किया जाता है एज अ फाइनेंस लीज, ये एक चेंज आया। हमने हमने अपने रेंटल्स को किए हुए हैं, रेंटल को हमने डाला हुआ है आईएफआरएस 16 में, जो हमने नेक्स्ट 5 6 ईयर के रेंटल्स है ना ब्रांचों के, उसको हम आईएफआरएस 16 के थ्रू लेकर आए हैं, ऑडिटर ने कहा था हमें। कौन से रेंटल्स? जो हमारी ब्रांच के रेंटल्स है ना, लेट्स से हमारा 5 ईयर का एग्रीमेंट है रेंटल का, वो ऑपरेटिंग लीज है ना फिर। हां, तो उसको हम लोग आईएफआरएस 16 के थ्रू हम लोग उसको राइट ऑफ यूज एसेट खड़ा किया और इसको हम लोग डेप्रिसिएट जी और लायबिलिटी भी खड़ी की होगी साथ। हां, लीज लायबिलिटी खड़ी की हमने। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। हम लोग फाइनेंस कॉस्ट लेते हैं हर महीने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, डेप्रिसिएशन भी निकलता होगा उसके अगेंस्ट। जी जी। एनीवन एल्स, कुछ सवाल किसी के माइंड में? चलो एक और सवाल करते हैं, एक और लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। ये व्हाट्सएप किया भाई आपने सवाल? कर रहा हूं अभी। क्या भी कर रहा हूं आप? मिल गया? मिल गया जी? जी सर मिल गया। एमिरेट्स अपने जहाज जो है ना वो इस्लामिक लीजिंग के जरिए लेते हैं। चले जी देखें। ओके, तो उनको फिर सिंडिकेटेड फाइनेंस लेना पड़ेगा ना? कौन सा फाइनेंस? सिंडिकेटेड फाइनेंस, अमाउंट बड़ी है तो दो तीन बैंक मिलके देंगे उनको। हाँ बिल्कुल, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कोई सिंगल भी दे देता हो, मुझे नहीं पता। वो अमाउंट बिलियंस अमाउंट होगी ना तो। हाँ इतना बड़ा एक्सपोजर कौन लेगा? मे बी, तो एमिरेट्स की बैलेंस शीट खोल के देखनी पड़ेगी। बेस्ड ऑन फाइनेंसिंग कैश फ्लोज ओनली कैलकुलेट एंड डिटरमाइन वेदर द कंपनी शुड लीज और बाय द न्यू टेक्नोलॉजी, लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन। अब देखें रेलेवेंट कैश फ्लोज में हाईलाइट करते हैं। The company is considering an investment in new technology that will reduce operating costs through increasing energy efficiency and decreasing pollution. Company ek investment ka plan laga rahi hai, investment kar rahi hai, lekin us technology ko kharidne ke liye company ko paisa chahiye. To company ko agar wo technology kharidni hai to technology ki cost kitni aayegi? 1 million. 1 million. Life kitni hai? 4 saal. 4 year. At the end of 4 scrap value kitni hogi? 100,000. सही है। अब कंपनी या तो ये टेक्नोलॉजी खरीद ले बोरो करके या इस पे लीजिंग के ऊपर ले ले। लाइसेंस भी देनी पड़ेगी आपको 1,04,000 की एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ईच ईयर, और ये लाइसेंस भी हर साल 4% से बढ़ जाएगी। क्या दोनों ऑप्शन में लाइसेंस भी देनी पड़ेगी? सवाल ये पैदा होता है। आगे पढ़ते हैं, शायद क्लियर हो जाए। If company bought the new technology, it would finance the purchase through a 4-year loan, paying interest at an annual before tax rate of 8.6% per annum. हमें इसे क्या करना है? हमें इसे after tax बनाना है। तो after tax ही बना देते हैं इसको। After tax क्या होगा? 1 minus tax rate. Tax rate कितना है? 30%. इसे after tax बना 8.6 into 70.
सिक्स ले लें अप्रोक्स, सिक्स आ गया, सिक्स परसेंटेज अप्रोक्स, ये आपका आ गया आफ्टर टैक्स डिस्काउंट रेट, क्या आ गया, ये आ गया आफ्टर टैक्स बोरिंग रेट, इसको हम डिस्काउंट रेट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, पिछले एग्जांपल में गिवन था, ठीक है जी। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, ऑल्टरनेटिवली द कंपनी कुड लीज द न्यू टेक्नोलॉजी, द कंपनी वुड पे फोर रेंटल्स, कब देने रेंटल्स, एडवांस में, एडवांस में चार साल, चार रेंटल्स एडवांस में शुरू होंगे, रेंटल के अंदर लाइसेंस फी शामिल है, इसका मतलब लाइसेंस फी दोनों केसेस में जा रही है, एक केस में आप सेपरेटली पे कर रहे हैं, दूसरे केस में आपके रेंटल में जा रही है, ठीक है, लग दोनों पे रही है, ठीक है। देखें जी, तो अगर हम लीज पे लेते हैं तो रेंटल चार होंगे, लाइसेंस फी रेंटल का पार्ट है, अगर कंपनी ये टेक्नोलॉजी बाय करती है तो टैक्स वाले आपको कैपिटल अलाउंसेस देंगे, किस रेट के ऊपर, 25% के ऊपर, ठीक है। टैक्स जो आप पे करते हैं वो एरियर्स के अंदर पे होता है 30% के हिसाब से, आफ्टर टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 11%, ठीक है। अब एक सवाल ये जहन में आता है कि वेटेड एवरेज डिस्काउंट रेट के तौर पे यूज करना चाहिए आफ्टर टैक्स बोरोइंग रेट, सो ये बात जहन में रखें कि जब भी आप लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन इवेल्यूएट करेंगे ना, तो हमारे लिए जो रेलेवेंट डिस्काउंट रेट होता है ना वो ये होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो डिसीजन है वो है कंपैरिजन ऑफ डेट फाइनेंसिंग, क्योंकि लीजिंग भी इज अ टाइप ऑफ डेट फाइनेंसिंग, तो हम उसमें आफ्टर टैक्स बोरिंग रेट इस्तेमाल करते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस्तेमाल नहीं करते, नहीं करते। अब आ जाते हैं जरा इसको इवेल्यूएट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज निकालते हैं, लीज डिसीजन कितने साल का प्रोजेक्ट है, चार साल का, एरियर्स की वजह से कितने साल पे चला जाएगा, पांच पे, पांच पे। रेंटल बताएं साल में कितने होते हैं, रेंटल होते हैं जनाब चार, चार 380,000 पर एनम, ठीक है, लेकिन एडवांस में जा रहे हैं, यानी कि पहला रेंटल फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में जा रहा है, दूसरे साल के बिगनिंग में, ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट लेंगे, अगर किसी को टाइम वैल्यू ऑफ मनी और एन्यूटी वगैरह का बहुत अच्छा आइडिया होगा ना, तो वो बहुत शॉर्टकट में, बहुत शॉर्टकट से सवाल को सॉल्व कर सकता है एन्यूटी फैक्टर लगाकर। अभी मैं जानबूझ के थोड़ा सा ना लंबा तरीका सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये रेंटल आ गया, इस रेंटल के अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट भी आ गई, ठीक है। अच्छा, उसने हमें ये नहीं बताया कि लीज के केस में रेंटल टैक्स डिडक्टेबल होगा, इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होगा, तो हम रेंटल को ही टैक्स डिडक्टेबल कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो रेट दिया हुआ है 30%, 30% लगाएं इसके ऊपर, टैक्स ऑन रेंटल्स 30% लगाएं, 380 का 30%, टैक्स कहां से शुरू होगा, दो से पांच, दो से चार, दो से पांच, पांच, दो से पांच, सही है, चार रेंटल्स है ना, तो चार टैक्स होंगे, दो से पांच पे शुरू होंगे, और कोई कैश फ्लो तो नहीं है, मेंटेनेंस वगैरह कुछ, ये आपने सर आखिर में सर ये फाइव क्यों लिखा सर, 115 एरियर्स लाइसेंस फीस है सर, लाइसेंस फी रेंटल्स के अंदर बिल्ट इन है, ओके। नेट कैश फ्लोज आ गए 380, नेट ऑफ करें 380 में से 14 माइनस करें, 266 सर, 266। कौन सा रेट था आफ्टर टैक्स बोरिंग रेट, क्या था, 6%, 6% के फैक्टर्स बताएं,
आगे बढ़े और 0.747 मल्टीप्लाई कर दे 747 मल्टीप्लाई कर दे356.47 236 223 90 or 85 नेट ऑफ करें टोटल आंसर जी सर अगर फाइनेंस लीज पे ये एसेट लिया जाए तो उसकी टोटल आउटफ्लो बनता है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में 1022 अब इसको कंपेयर करते हैं बाइंग डिसीजन के साथ सर ये कंपैरिजन के अकॉर्डिंग फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज मैं लास्ट क्लास में इसको थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करके देखिए नॉर्मली फाइनेंस लीज जो होती है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ली जाती है और उसमें जो एसेट की लाइफ होती है और जो लीज टर्म होती है ना काफी क्लोज होती है और जो ऑपरेटिंग लीज होती है वो नॉर्मली बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए ली जाती है जैसे आप समझ लें फॉर एग्जांपल एक जनरेटर है वो है वो लिया आपने ऑपरेटिंग लीज पे तो आप उसको एक महीने के लिए दो महीने के लिए तीन महीने के लिए लेते हैं और एक प्लांट आपने लिया है फॉर एग्जांपल एक जनरेटर आपने फाइनेंस लीज पे लिया तो आप उसकी टोटल लाइफ के पैरेलल जो भी टर्म्स होती हैं उसके अगेंस्ट लेते हैं इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं अगर आपको ये चेक करना है कि एक एसेट फाइनेंस लीज पे आएगा या ऑपरेटिंग लीज पे आएगा तो उसकी अकाउंटिंग में कुछ इंडिकेटर्स होते हैं वो इंडिकेटर्स आपको बताते हैं कि ये मेजॉरिटी इंडिकेटर्स कह रहे हैं कि ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है अच्छा पहले ऐसा होता था अकाउंटिंग में ना इंडिकेटर्स देखने ज़रूरी होते थे अब वो इंडिकेटर्स देखने थोड़े से ख़त्म हो गए क्योंकि अकाउंटिंग कहती है लीज चाहे ऑपरेटिंग लीज हो या फाइनेंस लीज हो दोनों को एक ही तरीके से रिकॉर्ड करना है तो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया है IFRS 16 ने ओके अच्छा जी अगर हम ये बाय करते हैं अगेन 4 साल है हमारे पास और 1 साल एरियर्स का मशीन की कॉस्ट कितनी है मशीन जो आउटराइट हम खरीदने जा रहे हैं मशीन आपको कितने की मिलेगी 1 मिलियन की मिलेगी और 1 लाख उसके ऊपर स्क्रैप वैल्यू है स्क्रैप ठीक है जी मेंटेनेंस जाएगी लाइसेंस फी कितनी थी 1,04,000 पर एनम एंड आवर फर्स्ट ईयर हर साल नहीं होगी सर हर साल होगी लेकिन सर उसमें इंक्रीज आएगा ना 4% अच्छा 4% इंक्रीज है जी सर आखिर में होगी और 4% इंक्रीज आएगा 4% बताएं जी सेकंड ईयर में कितनी हो जाएगी 108 थर्ड ईयर में कितनी हो जाएगी 112 116 सही है अच्छा जी टैक्स सेविंग्स ऑन लाइसेंस फी ये निकालें इसको 30% से मल्टीप्लाई कर दें 104 को 30% से मल्टीप्लाई करें 108 को 112 को 116 को 31 32 33 34 सही है उसके बाद टैक्स सेविंग्स ऑन कैपिटल अलाउंसेस 34 क्यों लिया आपने लास्ट में आप बता दें क्या होगा 116 का 30% क्या होगा नहीं फिफ्थ ईयर की बात कर रहा हूँ डिले आ रहा है ना
25% रिड्यूसिंग बैलेंस में, तो इसकी वर्किंग कर लेते हैं कैपिटल अलाउंसेस की। अच्छा, सो हियर टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्स रेट एंड टैक्स सेविंग्स। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, कितने साल का प्रोजेक्ट है? और 3 साल तक तो रेट लगेंगे ना। 1 मिलियन का 25% डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 250 का 30% टैक्स रेट सेविंग्स कितनी आएंगी? 75। सही जी? जी सर। अगले साल डेप्रिसिएशन 750 पे लगेगा बुक वैल्यू के ऊपर। बताएं कितना? 187.5 का 30%, 56। तीसरे साल की बुक वैल्यू बताएं, 750 माइनस 187.5, 562 पे लगाएं 25%, 140 42। आखिरी साल में क्या करेंगे? उसकी बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग अलाउंस निकालेंगे। कॉस्ट कितनी है? स्क्रैप वैल्यू कितनी है? टोटल डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? अब तक कितना क्लेम कर चुके हैं ये एडजस्ट कर लें, तो आपके पास बैलेंस 322। इसका 0.5 कर लें। हाँ, 5.5 को छोड़ दें, कोई टेंशन नहीं। 96। तो ये आपके पास पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे साल की टैक्स सेविंग्स आ गई, 75, 56, 42। ये ऊपर ट्रांसफर कर दें, 75, 56, 42 और लास्ट थी 96। ये हमारा बाइंग डिसीजन के कैश फ्लोज आ गए। इनिशियल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, लाइसेंस फी, टैक्स सेविंग ऑन लाइसेंस फी, टैक्स सेविंग्स ऑन कैपिटल अलाउंसेस। अब इसको नेट ऑफ कर लें, नेट कैश फ्लोज निकाल। -2 24 minus 24 minus 41 59 आखिर का नहीं, इसका 100 का 33 41 आता है ना, -41 जी सर। अब वो जो फोर्थ ईयर वाला है वो पॉजिटिव होगा ना? पॉजिटिव आ रहा है, वो भी पॉजिटिव है। ये लें, ये नेट कैश फ्लोज आ गए। डिस्काउंट फैक्टर, कौन सा डिस्काउंट फैक्टर लगना है? 6% जी, 6% जो लीजिंग पे रेट लगा है ना, वही रेट यहाँ लगना है। तो 0.943889
7 9 2 7 9 2 और लास्ट वाला कितना होगा 7 4 7 7 4 7 मल्टीप्लाई करें और पीवी निकालें 98 दोबारा बोल 98 1.77 इसको टू ही जो भी करना इसको टू ही रहने तो बिला 20 है 20 आउट 46 का 97 है सर नेट ऑफ करें सबको $977,000 उसका डिसीजन कितना आ रहा था लीजिंग का 1022 बाइंग का कितना आ रहा है बाइंग का आ रहा है 977 कौन सा डिसीजन ज्यादा बेहतर है बाइंग का सर सस्ता पड़ रहा है बाइंग इज अ चीपर ऑप्शन तो ये जो डेटा हमें दिया हुआ है इस बेसिस पर हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि बाइंग डिसीजन इज बेटर देन द लीजिंग डिसीजन ठीक है जी ठीक है सर अच्छा जी चलो एक दो MCQs देख लेते हैं सर इसके MCQs इसी तरह आते हैं एग्जाम में कोई है जिसने पीछे दिया हो ऐसे लंबे लंबे आ रहे हैं शॉर्ट शॉर्ट आते हैं लेकिन MCQs इतने लंबे लंबे तो नहीं आते जितने ये दिया है लेकिन MCQs इस तरह के हो सकते हैं मैं आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया था एक दो MCQs मैं और करवा देता हूं ये देखें जी अगर आपने ये दो सवाल तमीज से कर लिए ना तो MCQs करने में प्रॉब्लम नहीं होगी नहीं जी ये तो गलत हो गया गलत आ गया वन मिनट रुकिए काम करते हैं डायरेक्ट MCQs की किट पे चलते हैं ये नजर आ रहा है आपको 3.13 अ बिजनेस हैज डिसाइडेड टू इंस्टॉल अ न्यू मशीन ये MCQ है ना द मशीन कॉस्ट 50,000 एंड इट वुड हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 इयर्स हैविंग अ ट्रेड इन वैल्यू ऑफ 10,000 एट द एंड ऑफ 5th ईयर द बिजनेस कुड परचेज द मशीन फॉर कैश यूजिंग अ बैंक लोन Having a current cost of debt is 9% after tax. The rate of tax is 30% and the business will able to claim a tax depreciation allowance of 100% in year one. Tax is payable with no delay. What is the present value of the purchase cost? Kya nikalni? Present value of purchase cost nikalni. Main data likh leta hu. Aap mujhe zara data help out kare. डेटा क्या क्या है फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं परचेजिंग का डेटा लिखो मशीन की कॉस्ट कितनी है 50,000 कॉस्ट है 50,000 स्क्रैप कितनी है 5 इयर्स है और 10,000 है लाइफ कितनी है 5 साल टैक्स कितना है टैक्स रेट कितना है 30% कैपिटल अलाउंसेस का रेट कितना है 100% कब सेम ईयर वन लिखा हुआ है ईयर वन में ना 100% ठीक है और डिस्काउंट रेट क्या इस्तेमाल करना है 9% ये आफ्टर टैक्स था ना जी सर
चलें अब इसको इवेल्युएट करते हैं, इसको इवेल्युएट करते हैं। शॉर्टकट में करें, देखिए जी इनिशियल कॉस्ट की तो पीवी वही होगी सेम, इनिशियल कॉस्ट तो जीरो पर ही है ना, 50,000 ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप किसने साल में आएगी? पांचवें साल के, पांचवें साल में आएगी ना, तो पांचवें साल का 9% का डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा? पांचवें साल का 9% का डिस्काउंट फैक्टर गलत कर रहे हो भाई, पीवी फैक्टर चाहिए 0.649। तो ये कितना हो गया 6490 प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में आ गए स्क्रैप वैल्यू, सही है? तो 6499 है, 6499 है, 6499 आ गए ठीक है। टैक्स सेविंग्स कितनी आएंगी पहले साल? 100% 100% का मतलब है 50,000 का 100% 50,000। क्या इसकी पीवी निकालने की जरूरत है? वन ही रहेगा, पीवी वन है, वन पे है ना ये, वन पे वन ही आएगा, वन पे मिलेगा। तो पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा 9%? वन, वन क्यों होगा? वन पे वन होता है ना, अच्छा वन सही है, 0.917 मल्टीप्लाई करें, 4587 8501 8508 50 8501 850 तो 8508 50। दोबारा बोले वैल्यू 4545 850 850 850 इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो है ना सेविंग है, इनफ्लो है सर, इनफ्लो है, ये इनफ्लो है। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई? सेविंग है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई? 340 माइनस प्लस, प्लस प्लस में आ गए, एक सेकंड कैलकुलेशन दोबारा चेक करें, कोई गड़बड़ तो नहीं? माइनस में आई ना सर, ये 2349 है सर, 2349 नहीं नहीं ये गलती हो गई हमसे, टैक्स सेविंग्स हमने सही नहीं ली, टैक्स सेविंग्स हमने सही नहीं ली, टैक्स सेविंग्स हमने सही नहीं ली ना, एक सेकंड बाकी चीजें सही हैं। टैक्स सेविंग को हमने रेट से तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग मिलती है ना, तो 50,000 को मल्टीप्लाई करें 30% से, 15,000 की टैक्स सेविंग होगी, उसको पीवी में कन्वर्ट करें, डिस्काउंट फैक्टर क्या बताया था 0.917 अब मल्टीप्लाई करके दें, ये सेविंग होगी, सेविंग ज़्यादा ले ली थी, सॉरी 13755 अब निकालें, नेट ऑफ करें 29746 अच्छा जी जो फैक्टर आपने बताया है
कितने आंसर आ रहे हैं सर? आ रहा था 29, 7, 4, 6 नेगेटिव। सही। अच्छा यहाँ मैंने ये एज्यूम कर लिया कि जो डिस्पोजल प्रोसीड आ रही है ना उसका कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं। क्या डिस्पोजल प्रोसीड का टैक्स कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए यहाँ पर? इनके मैंने सर ऑनर्स चाहिए। देखिए पिछले सवालों में जो टैक्स कैपिटल अलाउंस मिल रहा था ना वो ईयर बाय ईयर मिल रहा था, तो वो लास्ट ईयर में स्क्रैप वैल्यू भी एडजस्ट हो जाती थी। लेकिन अगर कैपिटल अलाउंस आपको इमीडिएटली मिल रहा है या एक साल के अंदर पूरा का पूरा 100% मिल रहा है, तो इसका मतलब जब आप एसेट को बेचने जाएंगे तो उसके टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस भी लेने चाहिए आपको। वैसे तो वो सवाल में मेंशन कर देता है ना किस किस टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं या नहीं, लेकिन लॉजिकली देखें तो स्क्रैप वैल्यू के भी टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं। अगर हम उसको कंसिडर कर लें तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। मैं और करके ये भी कर लूँ, फिर हमारी इनिशियल कॉस्ट क्या होगी? आप दोनों सॉल्यूशन माइंड में रखिए। इनिशियल कॉस्ट कितनी? स्क्रैप वैल्यू आफ्टर टैक्स इतनी होगी, 10,000 थी ना, तो आफ्टर टैक्स हो जाएगी 0.7, 70,000, तो 7,000 और 0.649 से मल्टीप्लाई कर लो, इसकी पीवी निकालो, तकरीबन 4543। और बाकी वो तो सेम रहेगा जो आपका टैक्स डेप्रिसिएशन और कैपिटल अलाउंसेस होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कितना आ रहा था? 13755। अब करें नेट ऑफ 31702। ठीक है जी। तो अगर MCQs आता है तो या तो आपको लीजिंग के ऊपर सवाल बनाकर PV फाइंड आउट करने को कह देगा, या फिर आपको बाइंग डिसीजन की PV फाइंड आउट करने को दे देगा, या आपको किसी पर्टिकुलर ईयर की टैक्स सेविंग निकालने को दे देगा, कुछ भी हो सकता है। या तो आपको रेंटल में से इंटरेस्ट स्प्लिट करने का कह देगा एक्चुअरियल मेथड से या सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। सर 0.7 से क्यों मल्टीप्लाई किया ये? मैंने ये कहा है कि स्क्रैप वैल्यू जो है ना ये एक बेनिफिट है ना। जी जी बिल्कुल। तो इसके टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ऑब्वियसली, तो इसका 30% टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस में चला गया, तो इसका जो आफ्टर टैक्स बैलेंस है ना वो लिया है मैंने। ओके ओके। लेकिन आपको जरा केयरफुली देखना पड़ेगा सवाल में कि कब आपको स्क्रैप वैल्यू को टैक्स पर्पस के लिए लेना है या नहीं लेना, या तो वो मेंशन होगा या फिर आप इस लॉजिक से भी कर सकते। अब एक चीज, एक लास्ट चीज बता रहा हूँ आपको, लीजिंग का टॉपिक हमारा हो गया, कि जब हम सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड इस्तेमाल करते थे इंटरेस्ट को स्प्लिट, रेंटल को स्प्लिट करने के लिए, आपको याद होगा जैसे फॉर एग्जांपल एसेट की कॉस्ट है 1,00,000, सही है, और आप रेंटल दे रहे हैं 25,000 पर एनम, पर एनम फॉर 5 years, सही है, और लाइफ है 5 साल। तो आप क्या करते थे? आप ये करते थे n डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और n क्या रखते थे? ऐसे ही था, ये करवाया था लास्ट क्लास में। यस सर। ये कब होगा? जब एरियर्स का केस होगा। अगर एडवांस का केस हुआ तो क्या होगा? अनपॉन।
तो जब एडवांस का केस होगा ना, तो बस आपको छोटी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इसमें। ये जो n है ना, आपको n इज टू बी कंसिडर्ड एज 4 रादर देन 5। यानी कि अगर लाइफ आपको 5 साल दी हुई हो, लीज टर्म आपको 5 साल दी हुई हो, तो आप n को 4 लेंगे, 5 नहीं लेंगे। 4 साल दी हुई हो तो 3 लेंगे, 3 साल दी हुई हो तो 2 लेंगे। ये जहन में रखिएगा, ठीक है। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट होगा ना, वो फिर एडवांस रेंटल की वजह से 4 साल पे स्प्रेड हो रहा होगा, 5 साल पे स्प्रेड नहीं हो रहा होगा। अब हमने सेक्शन बी में क्या क्या कर लिया है, लेट्स डिस्कस कि अब तक हम क्या निपटा चुके हैं सेक्शन बी में। 5, 6, 7, 8, 9 सिलेबस दिखाता हूँ, 2 मिनट रुको, लेट मी जस्ट ओपन द सिलेबस। ये देखें जी, ये हमारा सिलेबस है, ये हमारा सिलेबस आ गया, हमारा सिलेबस आ गया, ये हमारा सिलेबस आ गया, ठीक है जी, नजर आ रहा होगा आपको। ये देखें जी, इसमें हमने क्या क्या किया है, इक्विटी फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग, लीजिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। ये जो पोर्शन है ना लास्ट वाला, ये वाला 10वां, ये हम करेंगे सेक्शन सी खत्म होने के बाद। ट्रेजरी मैनेजमेंट यानी कि करेंसी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स वगैरह। अब हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं कहाँ से, सेक्शन सी में 3 स्पेसिफिक एरियाज हैं। एक है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, दूसरा है बिजनेस वैल्यूएशन, और तीसरा है मर्जर्स, लास्ट वाला एमलगमेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन, ठीक है जी। तो हमारा एक बहुत बड़ा पोर्शन है कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जिसमें बहुत वैरायटी है, और डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल भी है, उसमें कुछ एडवांस टेक्निक्स भी हैं, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी भी है, कैपिटल रैशनिंग भी है। इस पूरे पोर्शन में लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन भी इसी का पार्ट, क्या हमने कर लिया ऑलरेडी, हम वो पहले से निपटा चुके हैं, ठीक है, लेकिन होता वो इसी का पार्ट है सिमिलरली। अच्छा, जब हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करेंगे ना, यहाँ पर ये वाला सेक्शन नजर आ रहा है आप लोगों को, 12 जी सर, जी सर। तो हमें करेंसी का भी चक्कर आएगा बीच में, तो हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे करेंसी रिस्क की फोरकास्टिंग को भी कंसिडर करना पड़ेगा जब हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करेंगे, ठीक है। और जब हम यहाँ आएंगे ना, ये जो एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक टॉपिक है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट, बीटा वाला जो था ना, गियर्ड करना और अनगियर्ड करना, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो सेक्शन बी में कुछ चीजें हमारी आगे सेक्शन सी को कनेक्ट करेंगी इस वाले टॉपिक के अंदर। तो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, तो वो कोशिश करके जल्दी जल्दी जरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले टॉपिक को निपटाने की कोशिश करें, ठीक है जी। सर जो सेक्शन ए है वो हम आखिर में करेंगे, करते हुए सीखिए।